हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था स्टैटिक मेथड्स के बारे में। हमने पढ़ा था स्टैटिक मेथड्स क्या होती है और क्यों हम एक मेथड को स्टैटिक बनाते हैं और किस तरह से स्टैटिक मेथड को अपने जावा की प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं विद इन क्लास और आउटसाइड ऑफ क्लास। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसके आगे, जो कि हमारा डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक मेथड एंड इंस्टेंस मेथड्स इन जावा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक मेथड एंड इंस्टेंस मेथड, ठीक है। तो हमें पढ़ना है कि स्टैटिक मेथड इंस्टेंस मेथड के बीच में डिफरेंस क्या है और किस मेथड को कहां पर हम यूज कर सकते हैं। होपफुली आपको पता है कि स्टैटिक मेथड इंस्टेंस मेथड क्या होती है, उनकी थ्योरी के बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज है। यानी कि अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज स्टैटिक मेथड बता पाओ, अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज इंस्टेंस मेथड आप बता पाओ। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिक मेथड क्या होती है, इंस्टेंस मेथड क्या होती है। अगर आपको नहीं पता तो आई बटन लिंक आप जाकर देख सकते हो। अगर बात करें स्टैटिक मेथड का, स्टैटिक मेथड ये क्या होती है, स्टैटिक मेथड यानी कि फिक्स, ठीक है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता, यानी कि अनचेंजेबल। यानी कि अगर बात करें जावा की प्रोग्राम की, ठीक है, जावा की प्रोग्राम में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर बात करें एक क्लास की, ठीक है, क्लास से मान लो कि मेरे क्लास है क्लास टेंथ, इससे कोई क्लास जिसका नाम है क्लास टेंथ, ठीक है, क्लास टेंथ। यानी कि जो दसवीं क्लास के बच्चे हैं उनकी डेटा मेरे को चाहिए, डेटा यानी कि रोल नंबर, नेम और एज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करा, इंट रोल नंबर स्ट्रिंग नेम और इंट एज, क्योंकि एज हमारे इंट टाइप का होता है, तो यहाँ से सिंपल है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि क्लास मैंने क्रिएट कर जिसका नाम है 10, यहाँ से लेकर अंदर क्लास की बॉडी है। बेसिकली इस प्रोग्राम की मदद से हम कोई भी स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम और एज को डिस्प्ले करवा सकते हैं। यानी कि मान लो कि मेरी क्लास है उसके अंदर 60 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, 60 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो 60 स्टूडेंट के अलग अलग नेम होगा, अलग रोल नंबर होगा, अलग अलग एज होगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि जो रोल नंबर, नेम और एज है, हर एक स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। यानी कि अगर कोई रोल नंबर है स्टूडेंट वन यानी कि S1, इसका रोल नंबर है 1, ठीक है, और S1 का जो नेम है वो है A, और S1 का जो एज है वो है 21। तो बेसिकली अगर बात करें S2 का, तो S2 का रोल नंबर अलग होगा, S2 का नेम अलग होगा, S2 का एज अलग होगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, जो भी वेरिएबल में जो वैल्यूज होते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो स्टैटिक वेरिएबल है वो चेंज नहीं हो सकता, यानी कि वो हमेशा फिक्स है। तो जैसे कि मैंने को पता है कि जो स्टैटिक होता है उसका मतलब होता है फिक्स। यानी कि हम अगर मान लो यहाँ पर मैंने करा स्टैटिक इंट रोल नंबर, तो ये चल जाएगा, इसमें कोई भी एरर नहीं प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये गलत डिक्लेरेशन है, क्योंकि जो रोल नंबर होता है चेंजेबल होता है, क्योंकि रोल नंबर जो होता है हर स्टूडेंट का अलग अलग होता है। अगर मान लें स्टूडेंट 1 है, इसका रोल नंबर 1, स्टूडेंट 2 का रोल नंबर अलग होगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि रोल नंबर, नेम और एज को हम स्टैटिक नहीं बना सकते। हम उस वेरिएबल को, उस मेंबर को स्टैटिक तब बनाएंगे जब वो वेरिएबल फॉर ए पर्टिकुलर टाइम तक फिक्स रहेगा, तो हम उसको बनाएंगे स्टैटिक। लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं इट इज़ ए इंस्टेंस वेरिएबल। तो यहाँ तक हमको सीखने को मिला कि जो स्टैटिक होता है, ठीक है, यहाँ पर मेथड या वेरिएबल को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स, यानी कि ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी नहीं करता है, ठीक है, इट डज नॉट वेरी फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, चाहे वो मेथड हो चाहे वो वेरिएबल हो, कोई भी हो, अगर कोई भी मेंबर स्टैटिक है वो फिक्स ही रहेगा, उसकी जो वैल्यू होगा चेंजेबल नहीं होगा। अगर बात करें इंस्टेंस का, तो इंस्टेंस क्या है हमारा, इंस्टेंस फिक्स नहीं है, हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट फिक्स, यानी कि फिक्स नहीं है, और इसकी जो वैल्यूज होती है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी करता है। यानी कि अगर बात करें रोल नंबर का, तो रोल नंबर 1 है, कोई स्टूडेंट का रोल नंबर 2 होगा, फिर 3, कभी 4, कभी 5, ऐसे करके रोल नंबर आगे बढ़ता जाएगा। अगर एज की बात करें तो एज भी स्टूडेंट का सेम नहीं होता है, नेम की बात करें तो नेम भी अलग अलग होता है, यानी कि जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है चेंजेबल होता है, वो फिक्स नहीं होता है। हम कह सकते हैं इट वेरीज फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता दूं, जो स्टैटिक होता है वो एक ही कॉपी क्रिएट होता है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, यानी कि एक ही कॉपी को हर एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अगर बात करें इंस्टेंस का, तो इंस्टेंस में ऐसा नहीं, ऐसी कोई सीन नहीं, इंस्टेंस में क्या होता है, इंस्टेंस में हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी क्रिएट होती है। तो ये था द मेन डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक मेंबर एंड इंस्टेंस मेंबर। तो अभी बात करें स्टैटिक मेथड क्या होती है, इंस्टेंस मेथड क्या होती है। तो अगर बात करें स्टैटिक मेथड्स का, जो मेथड्स यानी कि इट इज जावा मेंबर, यानी कि
अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका नाम, यानी कि क्लास का नाम, इंटरफेस का नाम, वेरिएबल का नाम, मेथड्स के नाम, जिसका नाम, उसको बोलते हैं मेंबर्स इन जावा प्रोग्राम। तो अगर बात करें मेथड, तो मेथड भी एक मेंबर है क्योंकि मेथड का अपना खुद का नाम होता है। तो अगर कोई भी मेथड्स के साथ हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक मेंबर बन जाते हैं। इसको बनाने का फायदा ये है, अगर कोई भी मेथड को हम स्टैटिक बनाते हैं तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर विद इन क्लास से हम उसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, अगर आउटसाइड ऑफ क्लास से हम उसको बाय यूजिंग क्लास नेम उसको कॉल कर सकते हैं। तो ये खासियत है स्टैटिक मेथड का। अगर बात करें इंस्टेंस मेथड का, इंस्टेंस मेथड तो ये नॉर्मल मेथड जैसा काम करता है। अगर मान लो यहाँ पर मैंने करा void m1, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ करा int roll number string age, ठीक है, और यहाँ पर मैंने करा तो string age नहीं होता, string name होता है, स्ट्रिंग नेम इंट एज, ठीक है, इंट एज। तो अगर मैं कुछ इस तरह से करता हूँ, यहाँ पर मैंने एक मेथड क्रिएट करा जिसका नाम है m1, जिसके रिटर्न टाइप है void, यानी कि कोई भी चीज़ हम रिटर्न नहीं होगी। तो अगर बात करें पैरामीटर का, जो कि तीन पैरामीटर हमने पास कराए, रोल नंबर, नेम और एज के, जो कि इंट, स्ट्रिंग और इंट टाइप के हैं। तो बेसिकली कह सकते हैं इट इज़ ए इंस्टेंस वेरिएबल। और अगर बात करें स्टैटिक वेरिएबल का, तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, पर मैंने करा स्टैटिक void m1, तो m1 तो जा चुका, भी कर लेते हैं m2। तो बेसिकली ये था स्टैटिक मेथड और ये था इंस्टेंस मेथड। यानी कि अगर बात करें स्टैटिक मेथड का, तो ये मेथड है, उसकी रिटर्न टाइप, उसके साथ हमने स्टैटिक कीवर्ड के यूज करें तो हम कह सकते हैं इट इज स्टैटिक मेथड। अगर बात करें इंस्टेंस मेथड का, इसके साथ कोई भी कीवर्ड के यूज नहीं करी जाती है, तो इट इज इंस्टेंस मेथड। तो ये तो सारे चीज़ें हैं जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, यानी कि व्हाट इज इंस्टेंस मेथड, व्हाट इज स्टैटिक मेथड, हमने इसको कवरअप कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिक मेथड क्या होती है और किस तरह से स्टैटिक मेथड कॉल करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इंस्टेंस मेथड क्या होती है, किस तरह से इंस्टेंस मेथड को कॉल करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, प्लीज़ आई बटन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, पीछे देख सकते हो। तो ये था छोटा सा ओवरव्यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक मेथड एंड इंस्टेंस मेथड। तो चलिए इसको एक बार प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि जो डिफरेंस हमने यहाँ पर बताई, तो ये सही में वैलिड है या नहीं। तो यहाँ पर कोड लिखने के लिए जो टेक्स्ट एडिटर उसको ओपन कर चुका हूँ, तो पहली बात तो इसमें जो भी जावा की फाइल है वो पहले से अवेलेबल है, यानी कि एग्जाम्पल डॉट जावा। तो पहली बात हमको क्लास क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैंने करा क्लास एग्जाम्पल, क्योंकि जो फाइल का नाम क्लास का नाम सेम होनी चाहिए, तो क्लास एग्जाम्पल, ठीक है, क्लास की बॉडी, मेन मेथड को क्रिएट कर लेते हैं। हालांकि जो मेन मेथड है स्टैटिक के आगे बताऊँगा, बट इज द मीनिंग ऑफ मेन मेथड, ठीक है, और मेन मेथड हम क्यों बनाते हैं, इसके लिए उसके बारे में आगे देखेंगे। तो क्या करता हूँ मैं यहाँ पर, एक पहली बात तो स्टैटिक मेथड को मैं क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैंने करा पब्लिक स्टैटिक, स्टैटिक हो जा भाई, स्ट्रिंग क्यों हो रहा है, पब्लिक, फिर से पब्लिक स्टैटिक, यहाँ पर है स्टैटिक void, ठीक है। तो इस मेथड का नाम मैं रखना चाहता हूँ कि कुछ भी, यहाँ पर मान लो, यहाँ पर मैंने कर दिया स्टैटिक एड, ठीक है, स्टैटिक एड, ये मेथड की नाम है। बेसिकली यहाँ पर मेथड की बॉडी सिंपल है, तो यहाँ पर एक इंस्टेंस मेथड को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैंने करा पब्लिक void, और यहाँ पर करते हैं हम कुछ भी कर लो, तो यहाँ पर ऐड कर लो सिंपल, नहीं तो इंस्टेंस ऐड कर लेते हैं, इंस्टेंस ऐड, इंस्टेंस ऐड, ठीक है, सिंपल है। अभी करते हैं इसकी बॉडी को क्रिएट। तो बेसिकली क्या करें, इस प्रोग्राम की मदद से मैंने यहाँ पर क्या करा, एक स्टैटिक मेथड क्रिएट करा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इट इज ए स्टैटिक मेथड, ओ सॉरी, इट इज ए स्टैटिक मेथड, ठीक है। अगर बात करें इस मेथड का, इट इज ए इंस्टेंस मेथड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं करिए, यहाँ पर कोई भी ऐसे कीवर्ड नहीं जिस जो भी बता सकते किस तरह की मेथड है। तो यहाँ पर मान लो, यहाँ पर मैंने करा इंट ए इक्वल टू 10, इंट बी इक्वल टू 20, सिंपल है। अगर आपको वेरिएबल के बारे में हर चीज़ पता है तो आपको पता होगा ये जो इंट ए और बी है ये किस तरह की वेरिएबल, आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, ये दोनों इंस्टेंस वेरिएबल है, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल जो होती है वो डायरेक्टली क्लास के अंदर ही डिक्लेयर की जाती है, लेकिन मेन मेथड के बाहर। तो बेसिकली मेन मेथड के अंदर डिक्लेयर नहीं कर रहे, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो ए और बी है ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है, सिंपल है। तो अगर कोई वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल है, हम उसको इंस्टेंस मेथड के अंदर कॉल कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर मैंने करा इंट सी इक्वल टू ए प्लस बी, सिंपल है। तो यहाँ पर मैंने करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, तो यहाँ पर हम करते हैं द एडिशन इज, ठीक है, यहाँ पर करते हैं प्लस सी,
क्योंकि जो भी एडिशन होगा वो आके सी पे स्टोर होगा। तो बेसिकली मैंने आपको बताया इंस्टेंस मेथड है, तो आपको पता है कि इंस्टेंस मेथड को कॉल करने के लिए हमको क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है, वो हमारा ऑब्जेक्ट की रेफरेंस होता है। तो ऑब्जेक्ट की रेफरेंस के लिए हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो बेसिकली क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल ए इक्वल टू न्यू एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है क्रिएट हो चुका है, अभी करते हैं ए डॉट इंस्टेंस एड, ठीक है, जो हमारा मेथड का नाम है। तो क्या ये चल जाएगा? यहाँ पर मैं जो स्टैटिक मेथड इसका बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहा, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ कि ये मेथड है ही नहीं। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने दो इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करा जो कि इंट ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20। फिर मैं आगे मेथड के अंदर मैंने करा इंट सी इक्वल टू ए प्लस बी, फिर मैं प्रिंट कर रहा हूँ एडिशन को जो कि प्लस सी में अवेलेबल है, सिंपल है। तो ये जो मेथड है पूरी मेथड को मैं कॉल करना चाहता हूँ ताकि मेरे को आउटपुट शो हो। तो मेथड को कॉल करने के लिए मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट की रेफरेंस चाहिए मेरे को, तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस के लिए मैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूँगा। तो क्रिएट करने के बाद इस तरह से मैंने यहाँ पर कॉल करा ई डॉट इंस्टेंस एड, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर मेथड को कॉल कर रहे हैं, हम कह सकते हैं कॉलिंग ऑफ मेथड, ठीक है। यहाँ तो सिंपल है, तो यहाँ पर सिंपल मेथड को कॉल कर रहा हूँ। तो इसके लिए देखते हैं प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं, चलना तो चाहिए। कंट्रोल एस, इसमें करते हैं सी एम डी को ओपन, जावा सी, फिर यहाँ पर हम करते हैं एग्जाम्पल डॉट जावा जो कि हमारे फाइल का नाम है एग्जाम्पल डॉट जावा। ओ सॉरी, यहाँ पर मैंने जो सेमी कलर था उसको मैं देना भूल गया, तो चलो दे ही देते। तो यहाँ पर जो सेमी कलर नहीं मिसिंग है, यहाँ पर मैंने करा जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा, जावा एग्जाम्पल यानी कि चल रहा है, तो हम रन करते हैं इसको जावा एग्जाम्पल। तो द एडिशन इज 30 यानी कि अच्छा खासा चल रहा है। तो इस प्रोग्राम का मोटिव क्या, इस प्रोग्राम का मोटिव ये है कि यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मेथड के अंदर हम वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, मेथड के बाहर ही डिक्लेयर कर रहे हैं जो कि दोनों की दोनों इंस्टेंस वेरिएबल है। तो ये इंस्टेंस वेरिएबल है तो इंस्टेंस मेथड में चलेगा ही चलेगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि ये जो ए और बी हमारे क्या, ए और बी हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है, सिंपल है। तो ये जो इंस्टेंस ऐड है ये हमारा क्या है, इंस्टेंस मेथड है। तो अगर हम इंस्टेंस वेरिएबल को इंस्टेंस मेथड के अंदर एक्सेस कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आनी चाहिए, तो एरर भाई क्यों आएगा, समझ रहे हो मेरी बात को। तो अगर कुछ ये जो एडिशन मैंने करा, अगर मैं इसको करता हूँ स्टैटिक मेथड के अंदर यानी कि इस मेथड के अंदर, क्या ये चल जाएगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा आगे देखते हैं। तो पहली बात हम इसको यहाँ पर करता हूँ मैं इसको कमेंट, सिंपल है, यहाँ पर इसको इस तरह से कर लेते हैं, सिंपल है, यानी कि ये जो पूरी मेथड है हालांकि यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने करा था कुछ इस तरह से, यहाँ पर करता हूँ मैंने करा int c इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा ये दोनों इंस्टेंस वेरिएबल है, लेकिन जो मेथड स्टैटिक मेथड है, ठीक है। तो int c इक्वल टू ए प्लस बी, तो यहाँ पर हम करते हैं इसको कुछ इस तरह से, मैंने करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने करा द एडिशन इज, आसान है, द एडिशन इज प्लस सी, यानी कि सी पे हम इसको स्टोर कर रहे हैं। हालांकि जो सी हमारा क्या है, सी हमारा लोकल वेरिएबल है क्योंकि एक मेथड के अंदर है, आपको पता है व्हाट इज लोकल वेरिएबल, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम कुछ आगे आ चुके हैं कि जहाँ पर वेरिएबल मायने नहीं रखता, तो बेसिकली सी हमारा क्या है, लोकल वेरिएबल है, और किस तरह से वेरिएबल डिफाइन करते हैं आपको पता होना चाहिए। बेसिकली सिंपल है, यहाँ पर सी हमारा लोकल वेरिएबल है क्योंकि मेथड के अंदर है। तो यहाँ पर मैंने करा int c इक्वल टू ए प्लस बी, तो यहाँ पर करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द एडिशन इज प्लस सी, यानी कि। तो फिर आते हैं मेन मेथड के अंदर क्योंकि हमको मेथड का कॉल करना है। तो यहाँ पर जो भी स्टैटिक मेथड उसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम विद इन क्लास यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने करा स्टैटिक एड, ठीक है, stati स्टैटिक एड, तो बेसिकली डायरेक्टली हम कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको कॉल करा, या तो आप बाय यूजिंग क्लास नेम भी कॉल कर सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो सिंपल हम विद इन क्लास करें तो डायरेक्टली करें, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। तो इसको एक बार सेव करते हैं कंट्रोल एस, देखते हैं ये चलेगा या नहीं। नहीं चलेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि हम इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं स्टैटिक एरिया से, इसलिए नहीं चलेगा। तो किस तरह से चलेंगे वो भी देखेंगे। यहाँ पर मैं इसको सेव करा, जावा सी एग्जाम्पल और जावा, एरर आ जा, आगे एरर जो कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, यानी कि यहाँ पर जो ए है यहाँ पर एक एरर आ रहा है और बी के पास एक एरर आ रहा है, यानी कि ये जो ए और बी है इन दोनों वेरिएबल को हम स्टैटिक एरिया से एक्सेस नहीं कर सकते। ये साफ साफ यहाँ पर दिखा रहा है कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल यानी कि जो कि स्टैटिक वेरिएबल नहीं है, आप उसको स्टैटिक एरिया से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ एरर शो कर रहा है। तो अगर आप चाहते हो स्टैटिक एरिया है यानी कि, तो यहाँ पर जो स्टैटिक एरिया है इसके अंदर इन दोनों वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, तो क्या करोगे, यहाँ पर
सिंपल इन दोनों वेरिएबल को स्टैटिक बना दोगे, क्या करेंगे, स्टैटिक इंट ए इक्वल टू 10, स्टैटिक इंट बी इक्वल टू 20। तो यहाँ पर अच्छा खासा चल जाए क्योंकि यह तो स्टैटिक वेरिएबल है, तो स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक एरिया से एक्सेस कर रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो एक सेव करते हैं कंट्रोल एस, जावा सी एग्जाम्पल और जावा जावा एग्जाम्पल, देखो एडिशन यहाँ पर शो करे दो कि 30, द एडिशन इज 30, यानी कि आउटपुट अच्छा खासा शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है, क्योंकि हमने स्टैटिक वेरिएबल को स्टैटिक एरिया से एक्सेस कर रहे थे। तो स्टैटिक एरिया हमारे क्या है, तो स्टैटिक मेथड के अंदर हम उसको बोलते हैं स्टैटिक एरिया। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने करा तो स्टैटिक मेथड उसको मैंने कमेंट करा, यानी कि मान लो ये प्रोग्राम है ही नहीं, यहाँ पर जो इंस्टेंस मेथड है जो कि मैंने पहले से कमेंट करके रखा था उसको यहाँ पर कमेंट हटा चुका हूँ, यानी कि यहाँ पर काम में आ चुका है, सिंपल है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरह से करते हैं, उल्टा करते हैं काम, यानी कि हम स्टैटिक मेथड को एक्सेस कर रहे हैं इंस्टेंस एरिया में, ठीक है, ये हमारा स्टैटिक मेथड है ए और बी, हम उसको एक्सेस कर रहे हैं इंस्टेंस एरिया में, यानी कि इंस्टेंस मेथड के अंदर हम स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। क्या ये चल जाएगा, तो पहली बात तो इसको यहाँ पर कमेंट करते हैं, इसका कमेंट खोलते हैं यहाँ पर, फिर इसका भी यहाँ पर हटाते हैं। तो क्योंकि इंस्टेंस मेथड ऑब्जेक्ट की रेफरेंस चाहिए, तो आपको पता है कि किस तरह से हम इंस्टेंस मेथड को कॉल अप कर सकते हैं, सिंपल। यहाँ पर मैं इसको सेव करा कंट्रोल एस, देखते हैं ये चल रहा है कि नहीं। जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा जावा एग्जाम्पल द एडिशन इज 30। तो यानी कि हम स्टैटिक वेरिएबल को इंस्टेंस मेथड के अंदर यूज कर सकते हैं, लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल को स्टैटिक मेथड के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने सीखा कि जो स्टैटिक मेथड होता है उसका कोई भी लेना देना नहीं होता ऑब्जेक्ट के साथ, विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट वी कैन कॉल स्टैटिक मेथड, यानी कि अगर आप विद इन क्लास काम कर रहे हो तो डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक है, अगर आप विद इन क्लास काम कर रहे हो कुछ इस तरह से आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। अगर आपकी जो भी काम है आउटसाइड ऑफ क्लास है तो आप क्या करोगे, बाय यूजिंग क्लास नेम स्टैटिक मेथड को एक्सेस कर सकते हो। तो ये था स्टैटिक मेथड के बारे में। अगर बात करें इंस्टेंस मेथड का, तो इंस्टेंस मेथड को एक्सेस करने के लिए आपके पास ऑब्जेक्ट की रेफरेंस होना चाहिए, ऑब्जेक्ट की रेफरेंस के लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा ताकि मेरे को ऑब्जेक्ट की रेफरेंस मिल पाए, यानी कि ये हमारा ऑब्जेक्ट की रेफरेंस है। तो बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस में क्या करा, इंस्टेंस मेथड को कॉल करा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरी चीज़ क्लियर है कि हाउ टू कॉल इंस्टेंस मेथड, हाउ टू कॉल स्टैटिक मेथड। तो अगर बात करें तो मेन डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड इंस्टेंस, मैं आपको बता दूँ तो स्टैटिक मेंबर्स होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा फिक्स ही रहते हैं थ्री ओवर द प्रोग्राम, यानी कि अदर टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन वी कैन चेंज स्टैटिक वैल्यू, यानी कि अगर कोई भी मेंबर स्टैटिक है उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स ही रहेगी। अगर बात करें इंस्टेंस का, तो इंस्टेंस हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये था छोटा सा प्रोग्राम को बताने के लिए, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक मेंबर एंड इंस्टेंस मेंबर। मेंबर कोई भी हो सकता है, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे इंटरफेस हो, चाहे वो मेथड के नाम हो, चाहे वो क्लास के नाम हो, जावा में से कोई भी चीज़ हो जिसका नाम हो हम उसको बोलते हैं मेंबर्स। होपफुली आपको सारे चीज़ें समझ आ जानी चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा ही मुश्किल लग रहा है तो बेसिकली इस लेक्चर को एक से दो बार देखिएगा, जब तक आपको समझ नहीं आ रहा तब तक देखते जाइएगा ताकि आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिले। तो अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं काम का चीज़ें कोई भी चीज़ यहाँ पर सीखने को मिला, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ताकि लोग वीडियो देख पाएँ। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।